हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग भाई। आज संडे और सिलपौर में जा रहे हैं भाई घूमने के लिए। बच्चे सो रहे, हम चुपचाप निकल चुके हैं घर से क्योंकि बच्चे हमें घूमने नहीं देते हैं। और हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी जगह है भाई। वीडियो में बने रहना लास्ट तक, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है भाई वो। शायद आप कुछ लोग वहाँ गए हो, कुछ लोग नहीं गए, तो वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना। और वीडियो देखने के बाद बताना आपको कैसी लगी। अभी चल भाई, चल मेट्रो चल। अभी हम ऑटो की रिक्शे से आएंगे, मेट्रो आ जाओ, क्योंकि भाई गाड़ी से तो हो जाती हालत ख़राब, थक जाते हैं हम, फिर घूम भी पाते। अब हम यहाँ से मेट्रो जा रहे हैं, मेट्रो से फिर हम जाएंगे। सिर्फ पर कैसा लगा, बच्चों को चुपचाप छोड़ कर आइए यार घर पर। चुपचाप नहीं, सो रहे थे बच्चे। अच्छा, सो रहे थे तो जब उठेंगे वो पूछेंगे मम्मी पापा कहाँ हैं, फिर काम के सिलसिले से कहीं गए। देख लो भाई, ये भी मेरे साथ रह रहे के काम का सिलसिला चालू कर चुकी है। फिटनेस जिम खुला है भाई अभी तो, इसमें नया एनी टाइम भी खुल चुका है। पैड कति नाश खा दिया भाई, बिल्कुल ही नाश खा दिया इस रिक्शे वाले ने। सिस्टम लगा रखा है गाड़ी में, सिस्टम भाई। हम आ गए रिठाला मेट्रो स्टेशन, और भाई रिक्शे पे लग गई थोड़ी सी धूल मिट्टी, मुँह पे थोड़ी साफ कर लेंगे। यहाँ से हमें तीन बार मेट्रो बदलनी पड़ेगी भाई, जाम जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी जगह मेरा भाई, देखना जरूर सारे भाई। सिर्फ आगे खोल चुकी है शूज के लेसेस, और देख लो भाई ये इसने मेरी जीन्स पहन लिया, आज मेरी जीन्स पहन ली इसने। देख लो, छुपा रखी थी इतने दिन से, मैं ढूंढ रहा था, आप आज पता चला कि जीन्स क्यों छुपा रखी थी इसने। आ गए भाई हम मेट्रो स्टेशन, और अब यहाँ पर मेट्रो में बैठेंगे। भाई हमारी हो गई है मेट्रो की परीक्षा खत्म, मेट्रो से उतर चुके, तीनों मेट्रो चेंज हो चुकी है। और अब हम कहाँ उतरे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ है सुप्रीम कोर्ट, और आप सोच रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में से क्या काम है, और आज तो संडे, सुप्रीम कोर्ट के पास ही हमें जाना है। ठीक है,
बस बहुत परीक्षा कर ली। आप लोगों ने कहाँ जा रहे हैं या आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई अब हम बैठ चुके हैं ट्रिवलर के अंदर। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है और हम 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं। कहाँ पहुँचने वाले हैं आप लोग भी देख लेना। भाइयों बहुत वेट करवा दिया मैंने आप लोगों को कि मैं कहाँ आ रहा हूँ आप लोग देखना, तो वेट मत करो, देख लो मैं कहाँ पर आया हूँ। जय भैरव बाबा की, भैरव मंदिर आया हूँ भाइयों, ये दर्शन कर लेना भैरव बाबा के, आप लोगों को भी करवाता हूँ। ठीक है, और वीडियो देख करके भाई कमेंट लाइक शेयर कर देना। बहुत ही जल्दी भैरव बाबा के दर्शन हो जाएंगे भाई हमें, और आप लोगों को भी करवा दूँ दर्शन। शिल्पा यहाँ कुछ करना है? शिल्पा बोल भैरव बाबा की, तेज की बोलो भैरव बाबा की, जय भैरव बाबा की। भाई ये मंदिर का वो घंटा है जो सबसे पुराना है, जब हम छोटे थे बचपन में आके उसे चल चल के बजाया करते थे। भाई बढ़िया दर्शन हो चुके हमारे, तो हम निकल रहे हैं मंदिर से, थोड़ा आगे की तरफ घूमेंगे। मैं शिल्पा को लेकर जा रहा हूँ ऐसी जगह जहाँ मैं अपना घूमने आता था अक्सर कॉलेज के टाइम पर, वहाँ शिल्पा को लेकर जा रहा हूँ। शिल्पा चलना है, जहाँ अक्सर कॉलेज के टाइम पर घूमने आया करता था मैं। हैं, इसकी शक्ल देख लो भाई, ये मेरी पढ़ाई लिखाई के नाम से ऐसे मुंह बना लेती है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। इसके गले में आवाज ही नहीं है, अभी लड़ने के लिए बोल दो छाती पर चढ़ने के लिए, फिर देखो कितने सुंदर लगते हैं ना ऐसे फूल वाले पेड़ यार। भाई हम आ गए हैं यहाँ घूमने के लिए भैरव मंदिर के पीछे, चिड़ियाघर के पास ही, बहुत ही अच्छी जगह है भाई। और यहाँ देख लो खाने की सारी सुविधा है, हर तरीके का खाना मिलेगा आपको। मैंने शिल्पा को बोला चल यार मैं फिर वो घुमा करके लाते हैं, फोटो शूट करेंगे। गैरी चलो मैं भी देखूँ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मुझे अभी तक नहीं घुमाया। अरे मैडम चल रही है, थोड़ा थक गई है, चल चल के 1 किलोमीटर मैंने से पैदल चला दिया है। भटूरे देख लो भाई कितने फूले पड़े भटूरे, यहाँ भाई सब लोग घूमने आते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है ये घूमने के लिए, कभी टाइम मिले तो आना घूमने।
और हम चलने वाले हैं यहाँ सामने विकास विकसित भारत अम्बेसडर थोड़ा सा चलना पड़ा उसके लिए कोई नाराजगी तो नहीं मैडम नाराजगी है पे हाँ तो भाई ऐसे पास में बोलना पड़ता है थोड़ी दूर जब भी तो बंदा चलता है हमें पहले बोल देता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर फिर ये देखना हमारे नरेंद्र मोदी जी यहाँ अभी होकर गए देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को जितने भी जू में जा रहे हैं चिड़ियाघर देखने जानवर ही जा रहे हैं ये जानवर अंदर हो चुके हैं सुस्त यहाँ आता है बंदा घूमने के लिए लेकिन थक जाता है बहुत पहले आया था जब तक एंट्री लगती नहीं थी अब लगी है यहाँ 50 रुपये एंट्री और देख लो कितना सुंदर लग रहा नज़ारा यहाँ का हमने यहाँ करके देखा कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है और बहुत छोटे छोटे बच्चे स्कूल के बच्चे आ रखे हैं मुझे पता नहीं था नहीं तो मैं अपनी बेटी को लेकर आता और मुझे पक्का कन्फर्म है वो यहाँ पर कुछ करती विकसित भारत आर्टिस्ट अपने घर और ब्लॉग पूरा तैयार होने के बाद हम डालेंगे सॉरी अब आप लोग बताना वीडियो आपको कैसी लगी नेक्स्ट संडे फिर हम बनाएंगे कहीं और जा करके ब्लॉग अच्छे से शिल्पा थक चुकी है पूरी तरीके से